बट एक दिक्कत है इसमें यार, ये ना बिल्कुल इसका प्राइस बस इतना है कि तुम इतने तो यार रोज खा जाते। ओए होए 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 होए। तो भाई स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। और यार आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और भाई ये भी बता दूं मैं किस चीज के रिव्यू करने वाला हूँ। तो भाई मैं रिव्यू करने वाला हूँ शूज की। तो देख सकते हो इसमें शूज है, एकदम ब्रांड न्यू शूज है। तो वो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। और भाई ये जो शूज है ना, ये बहुत डिमांड में है और तुम खुश हो जाओगे भाई, इतने बढ़िया शूज लेकर आया हूँ और बजट फ्रेंडली। इसका तुम अगर प्राइस सुन लोगे ना, इसका प्राइस बस इतना है कि तुम इतने तो यार रोज खा जाते होंगे पैसे। इतना प्राइस है इसका, इतना कम प्राइस। प्राइस भी बताऊंगा लास्ट तक, देखनी पड़ेगी वीडियो, एंड में इसका प्राइस भी बता दूंगा मैं। तो चलो सर फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं तुम्हें क्या है इसके अंदर। से ओपन कर लेता हूँ मैं। और हाँ, जब तक मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तब तक ना सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ थोड़ी पैसे थोड़ी लगते सब्सक्राइब करने के, कर दो। और हाँ भाई कमेंट भी कर दिया करो कि तुम्हें और किस किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। तब तभी तो मैं वीडियो बना पाऊंगा जब कमेंट करोगे तुम लोग। कमेंट कर दिया करो कि तुम्हें किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, उस चीज़ पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो भाई बॉक्स की कंडीशन देख सकते हो यार, थोड़ा मुड़ गया है बट फटा एक जगह से भी नहीं है। और देख सकते हो इस पे ना कोई ब्रांडिंग है ना कुछ है, एकदम सिंपल एंड सोबर बॉक्स है। तो चलो भाई शूज पे भी नजर डाल लेते, थोड़ी एक्साइटेड हो देखने के लिए? मैं तो बहुत हूँ भाई कि कैसी कंडीशन आई है और कैसी क्वालिटी है शूज की। तो वो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और दिखाता हूँ। चलो यार ये देखो, 1 2 3। ओए होए 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 भाई, सूज देखो सूज तुम। एक सेकंड पन्नी भी निकाल लो। ओए होए होए भाई सूज देखो क्या लग रहा है यार, भाई कसम से मजा आ गया सूज देख के। तो इस प्राइस रेंज में मिला है भाई, ये लग ही नहीं रहा भाई, कसम से नहीं लग रहा इस प्राइस रेंज में सूज मिला है भाई। देख सकते हो यार तुम इसकी कंडीशन वगैरह। तो भाई अब आते हैं शूज के ऊपर। तो देख सकते हो सोल के साइड में ये स्टिचिंग टाइप का वो दे रखा है, बट ये स्टिचिंग है नहीं यार, ये ना सिर्फ डिजाइन बना रखा है, बाकी ये ग्लू से चिपका हुआ है। देख ही सकते हो, दिख ही रहा होगा तुम्हें। और बाकी स्टिचिंग की बात करें ऊपर वाली, तो ऊपर वाली एकदम प्रॉपर है भाई। मैंने सोचा नहीं था इस प्राइस रेंज में ना ये स्टिचिंग मिलेगी भाई। तो भाई अब आते हैं इसके लेदर के ऊपर। तो भाई देख सकते हो यार, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि यार ये रियल लेदर तो होता नहीं है। और आगे की साइड देख सकते हो यार, वेंटिलेशन के लिए होल दे रखे हैं ताकि हवा आसपास होती रहे। तो भाई अब बात करते हैं इसके टंग के बारे में। तो भाई देख सकते हो यार, टंग पे लोगो दे रखा है एयर जॉर्डन का, और हल्का हल्का ना ये फेड सा भी लग रहा है यार। बाकी तुम अगर इसे एक बारी में धोगे तो ये और फेड हो जाएगा, मतलब मिट ही जाएगा यार, 2-3 बारी में तो शायद मिट जाए। तो भाई अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, जिसके लिए हम पैसे देते हैं। तो भाई देख सकते हो नाइकी का लोगो, इसीलिए हम पैसे देते हैं भाई कि शूज में हमें ये मिलता है। बस इस लोगो के ही पैसे है सारे, बाकी कोई शूज ही नॉर्मल है, बस इस लोगो के पैसा है सारा का सारा। तो भाई देख सकते हो यार, लोगो वगैरह बहुत फर्क है यार ओरिजिनल लोगो में और इस लोगो में, देख ही सकते हो कितना फर्क है। ये अलग लग रहा है, वो अलग है, इसमें ना थोड़ी सी नोक सी निकली हुई है ज्यादा सी, तो बहुत फर्क है यार लोगो वगैरह में भी। आखिरकार है तो कॉपी है ये, कॉपी की कॉपी। हाँ कॉपी की कॉपी है, मतलब तीसरी कॉपी है। तो भाई शूज के सोल की बात करूँ तो देख सकते हो यार, सेम टू सेम छापा है एकदम। SB डंक लोगों की सोल होती ना जैसी, वैसी दी गई है भाई एकदम। मतलब थोड़ा बहुत तो फर्क लगेगा यार 19-20 का, बाकी तो सेम ही लग रही है मेरे को। तो चलो भाई इसको पहन के ट्राई करते हैं, इसकी फिटिंग वगैरह देखता हूँ मैं कैसी आई है कैसी नहीं। जो मैंने साइज मंगाया था साइज तो वही आया है, बाकी फिटिंग देखते हैं कैसी आती है कैसी नहीं, कंफर्टेबल है या नहीं पहन के, बताता हूँ तुम्हें सारी डिटेल। तो भाई फिटिंग वगैरह तो एकदम परफेक्ट आई है मेरे को, बट एक दिक्कत है इसमें यार, ये ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। मतलब पूरा दिन पहनोगे ना तो नहीं पहन पाओगे भाई, बिल्कुल नहीं पहन पाओगे। 5-6 घंटा निकाल लोगे हाँ जैसे तैसे, 5-6 घंटा चल जाएगा आराम से पहन के, बट यार तुम पूरा दिन नहीं पहन सकते इस शूज को। मैंने 2 मिनट पहना, मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लगा। हाँ एक चीज कर सकते हो, अलग से ना उसकी वो सोल होती है जो
पैडिंग वाली, वो मंगा के डाल दोगे उसके बाद पहनोगे तो भाई चल सकता है, ठीक है। अलग से मंगा के अगर सोल डाल सकते हो तो तुम, तो वो चल जाएगा, बाकी तो बिना सोल के पहनोगे तो नहीं चल पाएगा भाई, तुम पूरा दिन खींच ही नहीं पाओगे उसे। और भाई जितना इसका प्राइस है ना उस हिसाब से तो यार सही है, कंफर्टेबल इतना ही आता है इतने में भाई। तो भाई इसका प्राइस बताऊं तो इसका प्राइस है 350 रुपए। क्या बोला तूने? हाँ भाई मजाक नहीं कर रहा मैं, सही सुना तुमने, 350 रुपए प्राइस है। और लिंक वगैरह दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तुम्हें लेना होगा ले लेना ये शूज, नहीं लेना होगा मत लेना। बाकी मैंने तुम्हें पूरा रिव्यू बता दिया कि कैसा है कैसा नहीं, बाकी तुम्हारे ऊपर बात है, कोई फोर्स नहीं है तुम्हें। तो भाई कैसी लगी छोटी सी और प्यारी सी वीडियो? तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो एक कमेंट जरूर कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए, तुम जो कमेंट करोगे ना उस पे वीडियो बन जाएगी नेक्स्ट। तो यार कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे नई नई वीडियो की, ठीक है, ताकि वीडियो मिस ना कर पाओ तुम। और हाँ एक और चीज बोलनी थी तुम्हें, हम ना 300 के बहुत करीब है, मतलब 14-15 सब्सक्राइबर रह गए होंगे, तो करवा दो 300। और मिलते हैं ऐसी बड़ी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।